हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क स्वामी दयानंद सरस्वती के एक मजबूत अनुयायी थे और उत्तरी भारत के दूरस्थ गांव में आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क एक ही समय राष्ट्रवादी कवि, गायक, समाज सुधार तथा उपदेशक सभी थे। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हें। तो सबसे पहले इनकी थोड़ी सी शॉर्ट में इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका नाम था चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क और जन्म हुआ था इनका 1898 में शिकोहपुर बागपत में, और इन्हें प्रसिद्धि मिली थी कवि, गायक, सामाजिक सुधारक, प्रचारक के रूप में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। इनकी प्रमुख रचनाएं थी आनंद भजनावली, महाराणा प्रताप और मानवता। अब इसे थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जो थे, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के गांव शिकोहपुर में, और ये एक कवि और लोक गायक थे। साथ ही इनका जो जन्म था वो जाट परिवार में तवर गोत में हुआ था, अर्थात ये जाट परिवार से संबंध रखने वाले थे। यही कहूँ कि जाट परिवार से संबंधित थे ये। और बेधड़क जी जो थे वो मुख्य रूप से आर्य समाज विचारक और प्रचारक थे। दयानंद सरस्वती जी जो थे उनकी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित और उनके सिद्धांतों को दूर दूर तक पहुँचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने उनके जो सिद्धांत थे, यानी कि आर्य समाज के जो सिद्धांत थे, उनको उत्तर भारत के, मुख्य रूप से उत्तर भारत के दूरवर्ती ग्रामों तक बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया। और इनके इसी मतलब एक तरह से निडर स्वभाव की वजह से ही इनका जो नाम पड़ा, उपनाम बेधड़क, वो इसी वजह से पड़ा था। और पृथ्वी सिंह जी एक राष्ट्रभक्त कवि थे और स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल भी गए। पृथ्वी सिंह ने हिंदी भाषा के लिए भी पूर्णतः संघर्ष किया और इन्होंने अपने काव्य में सामाजिक समस्याओं और विकृतियों को का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। तो बेधड़क जी ने जाट समाज व अन्य ग्रामीण समुदाय में प्रचलित सामाजिक बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार हेतु उत्तर भारत के गांव-गांव घूमे, यानी कि दूरवर्ती सुदूरवर्ती जो गांव हैं, जो किसी भी प्रकार से एक संचार के माध्यम से या किसी प्रकार से भी वो जुड़े हुए नहीं थे, उन दूरवर्ती गाँव में जाकर इन्होंने ये आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा समाज में सामाजिक जागरूकता पैदा की और अपना जीवन लोक कल्याण हेतु जिया, यहाँ तक कि इन्होंने शादी भी नहीं की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और इन्होंने जो अपनी सामाजिक समस्याओं या विकृतियों का जो यथार्थ चित्रण अपने काव्य में प्रस्तुत किया, उसी से संबंधित इन्होंने अपने काव्य भी लिखे हैं। और जैसे कि बताया मैंने आपको कि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं का सिद्धांतों का इन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार किया और दूर दूर के गांवों तक ये जाते थे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने अपने प्रभावशील भाषणों के द्वारा समाज में सामाजिक जागरूकता पैदा की और जैसा कि मैंने आपको बताया इन्होंने विवाह भी नहीं किया इसलिए, और अपने लोकगीतों में भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को रेखांकित किया, यानी कि उन्होंने ये बताया कि क्या क्या जो है आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति में क्या क्या अच्छा है, इस बात पे इन्होंने प्रकाश डाला। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस वक्त ये थे कि ज़्यादातर जो अन्य संस्कृतियाँ थी वो हिंदू धर्म की सिर्फ विकृतियों को ही दिखा रही थी, ताकि जो है कि हिंदू धर्म जो है वो बिल्कुल एक तरीके से डूब जाए और उनकी संस्कृति जो है वो आगे बढ़ पाए। ये नेचुरली है कि अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए दूसरी की संस्कृति को नीचा दिखाया जाता है, इसीलिए इन्होंने भारतीय संस्कृति के हर एक उस पक्ष को दिखाया जो कुछ भी लाभप्रद था और जो जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति जानी जाती थी। और इसलिए उन्होंने इतिहास के पन्नों से उस क्षेत्र के महान व्यक्तियों को अपने काव्य के चरित्र के लिए चुना। और चौधरी साहब का कार्य क्षेत्र जो था उत्तरी भारत था, इसलिए उन्होंने उसी क्षेत्र के से जो संबंधित थे, क्षेत्र विशेष से संबंधित जो महान व्यक्ति थे
उनको ही चुना, जैसे कि महाराजा सूरजमल, महाराज जवाहर सिंह, दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़, भगत सिंह आदि। और इन्होंने लगभग आर्य समाज की लगभग 45 वर्षों तक सेवा की। और सन 1973 में प्रति सिंह बेधड़क का जो है देहांत हो गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद स्वाध्याय द्वारा ही इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। और इन्हीं की वजह से कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे कि लालपुर पंजाब अधिवेशन में रहबरे आजम की उपाधि से सर छोटू राम ने सम्मानित किया। अखिल भारतीय जाट महासभा के सोनीपत और दिल्ली अधिवेशन में वीरे आजम पंजाब सर सिकंदर हयात ने सर छोटू राम की उपस्थिति में बेधड़क का खिताब दिया। यानी कि बेधड़क का खिताब जो था वो वीरे आजम पंजाब सर सिकंदर हयात ने इन्हें दिया था। तो ये पूरा एक ही नाम है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है, ये पूरा एक ही नाम है, वीरे आजम पंजाब सर सिकंदर हयात, यानी कि सिकंदर हयात का ये एक तरह से उपनाम था या उनकी उपाधि थी। इनके बारे में विक्रम सिंह लिखते हैं कि राष्ट्र कवि जनकायों में उपाधि लेने का सौभाग्य प्राप्त बेधड़क जी कई बार मोर्चे पर जाकर जवानों का मनोरंजन कर चुके हैं। सीधे सीधे सरल किसान के बेटे, श्वेत बाल धारण करने वाले बेधड़क जी के व्यक्तित्व में कवित्व का अद्भुत सामंजस्य है। उत्तरी भारत के 5-7 जिलों में उन जैसा सम्मान किसी दूसरे गायक कवि को प्राप्त नहीं हुआ है। 50 के लगभग पुस्तकों के रचयिता बेधड़क जी राष्ट्रवादी है। जलसों में अपनी वाणी से जन समूह को मोहित कर लेना उनके बाएं हाथ का कार्य है। और ज़्यादातर उन्होंने भजन ही लिखे हैं, और उनके जो भजन है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्वर है। जैसे कि बेधड़क जी लिखते हैं कि ओम के अलावा अब तो कोई नहीं बचावा, एड़ी से चोटी तक देखा, ब्लैक रिश्वत खावा। तो इस तरह के जो भजन है या जो उनकी काव्यांश है जो दिखाते हैं कि उन्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर अधिक बल देते थे। साथ ही उन्होंने क्या, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेताओं ने उन आदर्श नेताओं की शिक्षा, अर्थनीति और राजनीतिक विचारों को भुला दिया। तो जनता को आभास हुआ कि देश कहाँ स्वतंत्र हुआ, बस मात्र सत्ता परिवर्तन हुआ है। स्थिति वैसी ही है जैसी अंग्रेजी शासनकाल में थी। और इस स्वतंत्रता पश्चात के इन तथाकथित नेताओं के कृत्यों से आम जन की जो को जो पीड़ा हुई, उसी पीड़ा का जो स्वर है इनके स्वर के रूप में निकला। यानी कि इन्होंने अपने स्वर को आम जन के लिए आम जन का स्वर बनाकर उसे एक तरीके से कहा जाए तो आम स्वर के आम जन के आम जन के स्वर को इन्होंने अपने स्वर के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। और इन्होंने इसमें पूरी तरह से सफलता भी प्राप्त की। इन्होंने अपने काव्य में आम जन की अभिव्यक्ति को पूर्णतः अभिव्यक्ति दी। और ये चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा है कि भारत पर जो करेगा हमला वो हर तरह मिटेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बेधड़क जी थे, इन्होंने अपने स्वर से, अपने काव्य के माध्यम से जो समाज की समस्याएं थी, समाज की विकृतियां थी, उसे पूरी तरह से इन्होंने उजागर किया। और देश के लिए ही इन्होंने, देश और समाज के लिए ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो इसका की रचनाएँ और इनके जो कार्य थे वो सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।